नाव नका सांग, खाली कोण आहे ते सांग. माणूस का बायको? माणूस का बायको? बाई आहे तू. चलो इसको बन के डालो, इसको तेजी के साथ में जकड़ के रखो, इसको मार मार के सब तंत्र मंत्र खत्म कराओ. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. चलो अल्लाहु फातह समावाति वल अर्द عبد ورسولك لكن الله سبحانه وتعالى كتب لنا نفسي تقرا من الله الشكر وقل لا تقل الله محمد فجل من ذاك احد طفل لك. हाँ, तुझे कहाँ से पकड़े थे? शक्ति कहाँ से मिली थी? शमशान से, कब्रस्तान से? इधर हो रहा ना. हाँ बोल, जोर से बोल. कहाँ से? शमशान से मिली थी शक्ति. अच्छा मला एक गोष्ट सांग, हे पोरकी चे अंगा मध्ये तुला सोडले तर हे दवा कशा मध्ये खाऊ घातले होते? दवा काय मी खिलाय थे? जोर से बोल. अच्छा दुधामध्ये टाकले होते. अच्छा ते लोक कुटले होते जे मायकेचे का सासरवाडीचे? सासरवाडी के होते. अच्छा काय म्हणले होते? जीव घे म्हणले होते तुला. अच्छा इसको कमजोर कर करके पागल करके मार दे बोले थे, संसार नको होऊन दे बोले थे इसका. हाँ अच्छा इसका क्या लग गए थे? तंत्र मंत्र करते में केस, कपड़ा, पैर से खाली माटेल माती काय घेतले होते? कपड़ा घेतला होता मी. कपड़ा त्यांचा ऐसा कपड़ा घेऊन गेले होते. काय घेतली होती? साडी घेतली होती. अच्छा आता तू कोण आहे त्याची सासरवाडी मधली औरत आहेत? माणूस आहेत? कोण आहेत? नाव नका सांग, खाली कोण आहेत हे सांग. नाव नका सांग, खाली कोण आहेत हे सांग. माणूस का बायको? माणूस का बायको? बाई आहे तू. चलो इसको बन के डालो, इसको तेजी के साथ में जकड़ के रखो, इसको मार मार के सब तंत्र मंत्र खत्म कराओ. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. चलो अल्लाहुम्मा फातह समावाति वल अर्द عبد ورسولك لكن الله سبحانه وتعالى كتب لنا نفسي تقرا من الله الشكر وقل لا تقل الله محمد فجل من ذاك احد طفل من ذاك احد طفل لك محمد من ذاك طفل من صلى الله عليه وسلم خلق محمد والصحابي اجمعين برحمه الله. ختم कर दो इसकी सारी तंत्र मंत्र की सब जला के राख करो तेजी के साथ में. तबीयत में सुधार लाओ उसके, उल्टी जुलाब में सब बाहर निकाल के फेंको. जो भी करा उसका उसके तरफ वापिस पलटा दो. बहुत मदद हो इस पर एक बॉटल अंदर करके दूध वो लाकर पिलाकर दवाया मिला के उसके अंदर मिला के करे थी. फिर क्यों करे थे? ऐसा पागल होके खत्म हो जाना बोल के उन्हें परेशान होकर. ये सब बातें बयान हो गए. मायके की तरफ का था कि ससुराल का था? मैं इसको पूछा तो उन्होंने अंदर खुद बयान करा कि ससुराल के तरफ से था. अब आगे के राउंड में नाम पूछूंगा. अब फाइनल जब खत्म हो जाएगा, जब नाम पूछा दूंगा जिसका है. मैं तो किसी को जानता नहीं, ना मैं उनको पहचानता, ना उनके खानदान वालों को पहचानता किसी, मगर जो शय है वो मेरे सामने आके सबके नाम बयान करती ना. तुम बन मुट्ठी में जा, एक दूसरे को परेशान करेंगे जादू टोने करके, तुम ऐसा सोचेंगे तुम्हारा नाम नहीं निकलेगा. यहाँ आने के बाद मेरे सामने शयातीन, बला, जादू टोना, खबीस, राक्षस मेरे सामने हाजिर होते और नाम बयान कर देते हो. मैं मेरी जबानी बयान नहीं करता, मैं पेशेंट की जबानी पकड़ के पूछता हूँ. लेकिन अभी ऐसा इसको चमत्कार बोलते हो. ये चमत्कार देवी शक्ति जो भी है ये कुदरत ने दिया है, कलाम इलाही का मौजजा है अल्लाह कलाम का. और एक बात, ये जात के है इनो कौन है तुम? माली. माली 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 है. और माली बोले तो तुम्हारे शुद्ध शाकाहारी. हाँ शुद्ध शाकाहारी, मांस मच्छी मटन अंडा चलता नहीं, उन्हों माली है. और यहाँ पर ये दर जो है, ये जो दर है तो ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर किसी के वास्ते दरवाजे खुले रहते हैं, क्योंकि ये सूफी मूवमेंट का दर है. और सूफी मूवमेंट बोले तो सबको एक समान लेके चलने वाला. जैसा तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे वास्ते तकलीफ होती, वैसा सूफीज्म के गुरु को भी तुम्हारे वास्ते वैसी तकलीफ होती. अगर तुम बीमार है, परेशान है, तो तुम्हारे जल्द से जल्द राइट करता हो. ये तरीके, ये सब ऐसी मोहब्बत रहती है उसको भी, आम इंसान से, जनता से, अवाम से. वो सूफीज्म का दर है, वो सूफी मूवमेंट रहता और बहुत सारे बातें. और ये दर से अल्लाह सबको फैज देता और सबको फैज पहुंचता है यहाँ से. यहाँ पर कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं. जो भी आएगा उसको अल्लाह फैज देगा और फैज पाकर यहाँ से जाएगा. मैं किसी के साथ भेदभाव करता नहीं, मैं किसी को ऐसा करता नहीं. यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई अछूत नहीं, कोई छूत नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कुछ नहीं. सब यहाँ पर ये दर में एक समान रहते, क्योंकि सब अल्लाह के बंदे है और अल्लाह के बंदों को फैज पहुंचाना हमारी ड्यूटी है. और अल्लाह फैज देने वाली अल्लाह की जात है.
बाकी मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ। जो भी ऐसे हरकतें कर रहे हो लोग ये सोचे ना मैं तो बैठे जा रहा हूँ, मैं तो नाम निकाल के सामने लाऊंगा थ्रेड करूंगा। और ऐसा नहीं बोल कर रहे, पहले दवाखाने भी गए हल नहीं हुआ, उन्होंने बहुत जगह दुआ पानी को भी हल नहीं हुआ, उन्होंने महाराजा स्वामियों के पास भी गए हल नहीं हुआ। यहाँ आने के बाद हल हुआ नहीं हुआ, यहाँ आने के बाद सामने नाम आया नहीं आया, यहाँ सब आता, यहाँ मेरे तरीके जैसे बताया मैं उस तरीके से अमल करो लोगो, तुम अमल करे तो अल्लाह तुम्हारे बरोबर फैज देता, क्योंकि तुम्हारे बीमारी का डॉक्टर मैं हूँ, मुझे मालूम कौन सी दवा देना और कैसा हल करना। तुम मुझे सीखेंगे बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो नहीं नहीं ऐसा नहीं, फिर कहाँ से इलाज होगा, तुम डॉक्टर को सीखेंगे, तुम प्रोफेसर को सीखा के एग्जाम पास होंगे, नहीं हो सकते। तो इसलिए तरीके रहते, मैं यही कहूंगा और एक दूसरे के ऊपर जबर और जुलूम मत करो लोगों, ऐसी हरकतें करके जो भी करा या उसका उस पर पलट के जाता उसको मार पड़ती है, उसको सजा भी मिलती करने वाले को, और उसका नाम जो भी है छुपने तो वाला नहीं है, अगले चक्कर तक नाम भी सामने ला के बता दूंगा आगे उनकी इजाजत लेकर, तो जो भी है एक्स वाई जेड आपके फाइनल राउंड में। बाकी इतना कहूंगा कि लोगों हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर कोई कुरान पढ़ सकता, हदीस पढ़ सकता, हर कोई क्या बोलते तो चारों कुल पढ़ सकता, आयतन कुर्सी पढ़ सकता, सूर्य यासीन घर में बजाओ, सूर्य बकरा बजाओ, तो तुम महफूज रहेंगे, तुम औलाओं से बलाओं से जादू टोने से महफूज रहेंगे। देखो जादू टोना शैतान तंत्र मंत्र की क्रिया ये हिंदू नहीं देखती, मुसलमान नहीं देखती, ये जात पात नहीं देखती, भेदभाव नहीं, जिस पे हमला करने का उस पे बरोबर जाके हमला करती। तो इसलिए तुम भी इबादत करो ना, तुम इबादत करेंगे, इबादत की रस्सी को मजबूत स्थापेंगे तो तुम्हारे नजदीक वो चीज आ नहीं सकते, ढाले कवच बन के उसको रुका देता और भगा देता, तुम्हारे पास एक पॉजिटिव ताकत आकर उस सब चीजों को निगेटिव को भगा देती। तुम अगर नहीं करेंगे तो किसका क्या आ जाएगा, जो ना मांगे सीख वो दर मांगे भी। ऐसा जरूरी नहीं है कि कुरान मुसलमानों कुछ मिला, कुरान मुसलमाना सुनना मुसलमाना पढ़ना ये जरूरी नहीं है, कोई भी पढ़ सकता कोई भी सुन सकता, ये तो दौर मोबाइल का सुनो, सुनने से भी तुम्हारा फैज देता अल्लाह, क्योंकि तुम भी अल्लाह के बंदे है और कुरान भी अल्लाह का छे, तो अल्लाह सबका छे और कुरान भी सबका छे, तुम ऐसा मत समझो कि मुसलमानों कुछ ना, वो तुम्हारे वास्ते इस वास्ते उतारा अल्लाह ने कुरान को जमीन पे, तुम सब ये बबाओं से बलाओं से जादू टोने से महफूज ना बोल के, और सब जात का हर धर्म का इंसान सुन सकता पढ़ सकता, पाक साफ होके नहा धोके सुबह में बजाना सुनना, उससे तुमको महफूज रहेंगे, निगेटिव ताकतों से तुम महफूज रहेंगे। बाकी कि जो नहीं मांगेगा सीख वो फिर किसी का कुछ नहीं जाता बेटे। मैं तुम्हारा बार बार इंग्लिश बोलता हूँ, इतनी बड़ी ब्रह्मांड की रचना रचे वाली, इतनी बड़ी ब्रह्मांड में क्या क्या नहीं है, आप सूरज से कहीं धरती से कहीं लाख लाख गुना बड़े भी ग्रह फिर रहे आसमान में, और जमीन पे अगर देखेंगे तो इतने इतने माइक्रोस्कोप में भी देखे निश्चय बारीक बारीक जीव पैदा करा ला उसने, वो भी जी रहे उनके भी नस है उनके भी धड़कन है, क्या क्या अंदर दिया ले उसने, तो कोई रचना इन सब की रचा कोई ईश्वर है बोल के ना, हर धर्म के अंदर ईश्वर बता वाला ईश्वर आसमान में तो उसको महसूस किया जाता आसमानों के पार, उसको कोई देख नहीं सकता, उसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, सब धर्म में बोले आला है। बाकी भगवान अलग है देव अलग है, बताया ना मैंने इससे पहले तुम्हारे को ये सब बातें, देव देने वाला जन्म देने वाले माँ बाप भी देवी देवता तुम्हारे को, उसके बाद तुम्हारे को क्या बोलते तो ज्ञान देने वाला टीचर भी देवता, सूरज तुमको किरने दे रहा तो वो देवता, संस्कृत के अंदर देवता उसको बोले आला जो तुमको कुछ देता इंसानियत को कुछ दे रहा तो वो होगा देवता। उसके बाद में देवताओं को तुमने देखे होंगे महाभारत में, समय देवता वो पीते बैठे कुछ और देवताओं पे हमला होता राक्षसों का तो उन्हें भगवान के पास भागते, भगवान फिर क्या करता ज्ञान में ऐसा बैठा होता भगवान उठता उठ के वो सारे राक्षसों को जला देता उनको प्रोटेक्ट करता बचा देता देवी देवताओं को, तो देवी देवताओं फिर भगवान का शुक्रिया अदा करके जाते, तो भगवान बोले तो ज्ञानी को बोले आला ज्ञान संस्कृत में, और ईश्वर बाद में भगवान क्या करता लास्ट में उनकी मदद करने के बाद ऐसा इसमें चल जाता ध्यान में, सारे भगवानों को देख लो सब ऐसे ध्यान में बैठे आले, तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब वो बाद में ध्यान में जो चले जाते वो एक ईश्वर के ध्यान में चले जाते, वो ईश्वर के जो सारे आत्माओं को जिसने बनाया वो परमात्मा, और वो परमात्मा से शक्ति प्राप्त करने के लिए ध्यान लगाते हैं, समझ में आया। और वो ईश्वर कौन है, वो ईश्वर को अरबी में अल्लाह बोलेंगे, उसको फारसी में और उर्दू में खुदा बोलेंगे, उसको मराठी और संस्कृत में ईश्वर बोलेंगे, उसको तुम्हारे इंग्लिश के अंदर गॉड बोलेंगे, तो उसका जो नाम है अल्लाह ईश्वर गॉड खुदा सब समझो लोगों, उसको बोला जा रहा ना उसकी तो कोई शक्ल नहीं, हर जगह बता दिया ना संस्कृत, तुम मेरे को बोलेंगे अरबी के अंदर पढ़ के बताओ अल्लाह, तो मैं बोलूंगा तुम्हारे अशहद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के मैं गवाही देता हूँ, और तुम बोलेंगे संस्कृत में बताओ संस्कृत में श्लोका बताओ, मैं तुम्हारा देखो क्या है अर्थ ईश्वर स्तुति परत्नोपासना मंत्र हा, अर्थ ईश्वर स्तुति परत्नोपासना मंत्र हा, वो ईश्वर एक है उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसने ब्रह्मांड की रचना रचा इसलिए उसको हमने ब्रह्मा कह दिए, वो ईश्वर जगत को पालनहार है इसलिए हमने उसको विष्णु कह दिए, वो ईश्वर जलाली है पूरा सब ब्रह्मांड को एक मिनट में भस्म भी कर दे सकता इसलिए हमने उसको शंकर कह दिए,
और हमने उसकी मूर्तियां बना दी। मूर्तियां तो कहीं से नहीं लिखा ला ना बनाओ और ईश्वर को पूजो, जबकि ईश्वर की कोई शक्ल ही नहीं। पहले बोलते ना अर्थ ईश्वर स्तुति प्रार्थना मंत्रा, वो ईश्वर को सिर्फ महसूस किया जा सकता, उसकी कोई शक्ल नहीं, उसकी कोई प्रतिमा नहीं। अरबी में बोलू, अरबी के अंदर अगर मैं पढ़ के सुनो तो कुल हु अल्लाह वाहद, कह दो अल्लाह एक है। मेरे तरफ से अगर बोलने लगा है तो मैं बोलूंगा अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। इसलिए समझो वो ईश्वर एक ही चीज है। और इसलिए ऐसे हरकतें करना नहीं। आजकल बहुत सारे ईश्वर के ऊपर कमेंट दे रहे, गालियां दे रहे लोग, वो तुम्हारा ईश्वर बुरा, वो इनका ईश्वर। अबे गधे नालायक हो, अकल से पैदल हो, हर धर्म के इंसान हो, सुनो सबका ईश्वर एक ही है। सारे धार्मिक ग्रंथों का निचोड़ में लास्ट में एक ही चीज ईश्वर आता, भगवान बता दे कौन है, देवी देवता कौन है, बाद में लास्ट में ईश्वर। मुसलमान का जो कॉन्सेप्ट है, मुसलमान डायरेक्ट ईश्वर को पूजते, डायरेक्ट हम ईश्वर को पूजेंगे, हम कोई भगवान को नहीं मानेंगे, हम कोई देव को नहीं मानेंगे। बाकी तुम देव फिर भगवान फिर ईश्वर, इस स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तुम बोलते। और मुसलमान बोलता हम डायरेक्ट जाएंगे, हम डायरेक्ट अल्लाह को मानेंगे, ईश्वर को। उसका नाम ईश्वर है, उसका नाम खुदा है, उसका नाम क्या बोलते तो संस्कृत में उसको ईश्वर बोलेंगे, और उसको इंग्लिश के अंदर गॉड बोलेंगे। समझो बहुत सारे बातें, और ईश्वर के बंदे ही, और ईश्वर ने उसका कलाम इलाही भेजा अल्लाह ने, कुरान उसको पढ़ो, सब लोग पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। समझो तुम ये सब वबाओं से बलाओं से महफूज रहेंगे। बोलने को बहुत कुछ है, अगर मैं इसलिए तुमको बातें बताता, अगर मैं नहीं बोलूंगा तो तुमको बोलेगा कौन? और मुझे बोलना तुमको वाजिब है, क्योंकि तुम्हारा घर सुकून से रहेगा, परिवार सब, एक परिवार का मेंबर बीमार होगा तो पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता। अगर एक मेंबर अच्छा नहीं हो रहा तो पूरा परिवार कमाने में खाने में दिल दिमाग कहीं नहीं लगता। तुम अगर सुकून से और तंदुरुस्त सब रहेंगे तो तुम्हारा पूरा परिवार खुशहाल रहेगा, सब सुकून से रहेंगे। और मैं अगर ये बातें नहीं सीखूंगा तो तुमको सिखाएंगा कौन फिर? क्योंकि जो ज्ञानी रहता वही तो तुमको ये सब बातें सीखेंगा ना। बेज्ञानी के पास जाके तुम सीखेंगे, उसको कुछ बहेगा ना, क्या बोलते हैं, लिपका ना भाला नहीं मालूम, उसको जाके तुम बोलेंगे सीखा तो उन्हें तुमको उल्टी टुल्टे कुछ भी सिखाएंगा, कुछ भी भेजेंगा दिल के बाताओं। जो प्रैक्टिकल में पूरी दुनिया को बताया जिसने, तो वो बताएंगे ना तुमको, जिसको प्रैक्टिकल जिसके ऊपर भी दिया सब बातें। बहुत सारे राज है, इसलिए मैं सबसे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको बताऊँ कि कुरान तुम सुनो, सुना करो। तुमको क्या पता अल्लाह सुनने की बरकत से तो तुमको महफूज रखेंगे बलाओं से, शैतानों से, और क्या पता तुमको दीन की दुनिया की दौलत से भी नवाज देंगा। और तो इसलिए अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चलो कौन से आए थे? करो।